Hello everyone, I'm your friend, your host Baadal Bhandaari, and I welcome you in your favorite YouTube channel that is Dogs, Your Friends Forever. Dosto, main apni introduction de do. I'm owner of Baadal Bhandaari's multi super specialty kennels and pet store Pathankot, and I'm breeding dogs from last 21 plus years. Aur main behaviorist hu. Dogs ke bare mein main aksar aapke sath main cheeze share karta rehta hu. Aaj main aapke samne ek aur giant breed ke sath main aaya hu, and ye chhota sa dost hai mera. इसे हम सेंट बनार्ड के नाम से जानते हैं, इस ब्रीड को सेंट बनार्ड के नाम से जानते हैं. बहुत ही मज़ेदार ब्रीड है, बहुत बड़ी है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, जो पेट लवर है उनके लिए जो अवेलेबल है डॉग. एंड हिज कलर इज़ वाइट ब्राउन विद ब्लैक कॉम्बिनेशन. इसका जो फीचर्स है, मैं थोड़ा सा फीचर्स के बारे में अगर आपको बताऊँ, तो इसका ये जो मास्क है आप देख सकते हैं, ये टोटल पैरलर होना चाहिए. ईयर्स आईज जो मास्क आएगा वो ईयर्स के साथ में बिल्कुल वो टच करता होना चाहिए. आईज का जो मास्क है ये पूरा प्रॉपर आ गया. जो नोज़ है इट शुड बी 20-25% ओनली, 70-75% जो है वो हेड होना चाहिए. आप इसका साइड पोज में देख सकते हैं, शायद आपको दिख रहा हो कि ये बहुत अच्छा इसका हेड है, बहुत अच्छा फेस है. इसका जो नोज़ है हल्का सा यहाँ से उठा रहता है, बिकॉज दैट इज़ पार्ट ऑफ फैट जो इनका रहता है सेंट बनार्ड का. ही इज़ 32 डेज ओल्ड टुडे, एंड ही इज़ वेट इज़ 4.3 केजी एट द एज ऑफ 32 डेज. ही इज़ वेरी हैवी, वेरी, ही इज़ गोइंग टू बी जाइंट. वो बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत मैसिव होने वाला है. इसमें अगर हम बात करें बैक की, तो ही इज़ हैविंग पैचेज ऑन हिज बैक. नेक पे है, यहाँ से पूरा रिंग जा रहा है नेक पे. दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल फीचर. उसके बाद में ये माथे पे टिक्का आ रहा है, पूरा माथे पे तिलक आ रहा है यहाँ से, पूरा ब्रॉड, ये पूरा हेड को कवर करके. उसके बाद में यहाँ वाइट पैचेस हैं. एक और चीज़ आपको मैं शेयर करता हूँ, अगर इसके बॉडी में यहाँ पे पूरा ब्राउन है और वाइट पैचेस नहीं है, डजंट मीन कि वो प्योर सेंट बर्नार्ड नहीं है. वो सेंट बर्नार्ड भी प्योर होते हैं, बिकॉज आई हैव सीन अ वीडियो ऑन यूट्यूब जिसमें जो शेयर कर रहे थे उन्होंने बताया था कि जी सेंट बर्नार्ड में सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है. और जो इसकी टेल है, टेल में थोड़ा सा ब्राउन है, बाकी वाइट पार्ट है. जो वाइट पार्ट है वो डिपेंड करता है इसकी लेग्स की रेशो पे. इसकी लेग्स में जो सॉक्स है, ये जो वाइट पार्ट आ रहा है इसको हम सॉक्स कहते हैं. अगर इसकी सॉक्स प्रॉपर हैं, फ्रंट पूरी वाइट लेग्स हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा. इसके फीचर्स में होता है कि इसकी टॉप पे पैचेस आएंगे, लेकिन फेस के नीचे, नेक पे, पॉज पे, हाइंड लेग्स के नीचे या और कहीं पैचेस नहीं आते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जैसे मैंने अभी इसका वेट बताया आपको कि ही इज़ वेरी हैवी. ये ब्रीड जो है जब ये पूरा पल जाएगा, पूरा ग्रोन अप हो जाएगा, दैट टाइम इसका जो भार है वो अप टू 120 केजी तक जाएगा. जो इसका बॉडी वेट है दैट विल ग्रो अप टू 120 केजी फॉर अ मेल डॉग एंड अप टू 80-85 केजी फॉर अ फीमेल डॉग. काफ़ी साइज का डिफरेंस रहता है मेल का और फीमेल का. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी एज वेल एज केयर, दोनों चीज़ें बहुत मैटर करेंगी. ये जो ब्रीड है बेसिकली ये स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है. इसको स्विट्ज़रलैंड में इसका ओरिजिन हुआ था, और ये रेस्क्यू डॉग के तौर पे भी जाने जाते हैं. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि इस ब्रीड को रेस्क्यू डॉग के तौर पे भी देखा जाता है, बिकॉज इनकी स्पेशलिटी ये है कि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है. दे आर वेरी कूल, वेरी वेल बिहेव्ड डॉग्स. ऐसा नहीं है कि ये किसी को एकदम से अग्रेसिव हो जाएंगे, पड़ जाएंगे. हाँ, ऑफकोर्स अगर आपने ऐसे अग्रेसिव सेंट बर्नार्ड्स देखे हैं, मेरा कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये अग्रेसिव नहीं हो सकते. वो हमारे रखने पे डिपेंड करता है. इनकी नेचर ऐसी नहीं है कि ये बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे. अगर हमने उनको बिगाड़ दिया, बना दिया, तब वो वैसा सा होगा. अदरवाइज डेफिनेटली देर बी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड यू कैन हैव, एवर हैव. इनकी बहुत मैजेस्टिक लुक होती है. अगर आपने एक सेंट बर्नार्ड रखा हुआ है, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने सेंट बर्नार्ड रखा हुआ है, ब्रीड है, दे आर नॉट लेस देन अ टेडी. दे आर जस्ट अ लिविंग, दे जस्ट लुक लाइक अ लिविंग टेडी. जैसे इस समय जो मेरे हाथ में है, इतना मज़ा आ रहा है मुझे इसे पकड़ के, हैंडल करके बेबी को. ये बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मैंने वो अंगूरा वूल वाले रैबिट्स पकड़ते हैं ना हम लोग, ये बिल्कुल वैसे. या आर्चीज का टेडी लग रहा है ये. बड़े होने पर भी एक बहुत बड़ा सा टेडी ही लगते हैं. दोस्तों, ये जो ब्रीड है, जैसे मैंने इसके लिए बताया, दे आर नॉट लेस देन अ टेडी. इनका सबसे बड़ा पार्ट क्या है, सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, दे आर वेरी ओबीडियंट, वेरी लॉयल. आप, मैं पहले भी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे साथ में देखते हैं वो वीडियोस, पपीज़ होते हैं मेरे साथ में, बट आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि ये कितना शांत है, ये कितना कूल, वेरी वेल बिहेव्ड है.
उसको मालूम है कि मैं इसके साथ में कुछ कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसका वीडियो बना रहा हूँ या कुछ भी, कुछ साइकोलॉजिकली सोच रहा होगा, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल भी तंग नहीं कर रहा। ये बहुत ही शांत ब्रीड होती है, बहुत बढ़िया ब्रीड होती है। अगर आप एक बहुत बड़ा जायंट सा डॉग रखना चाहें तो आप डेफिनेटली आप से मनाड रख सकते हैं। दे कैन बी अ वेरी गुड वॉच डॉग एज वेल। बहुत बढ़िया ब्रीड है, बहुत अच्छी ऑसम ब्रीड है, आपको ये रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, हाइट भी इसकी बहुत अच्छी जाती है, ऑलमोस्ट 33 इंचेस शोल्डर हाइट इसकी एज जाएगी। उसके ऊपर लंबी सी बड़ी सी नेक आएगी, उसके ऊपर बहुत बड़ा सा हेड आएगा और दे लुक मेजेस्टिक। बिल्कुल मतलब जिन लोगों ने शायद लॉयन नहीं देखा वो लोग यही सोचते हैं कि यार दे आर नॉट लेस देन लॉयन। बहुत बड़ा साइज आएगा, बहुत बढ़िया है। इनका जो कोट है बहुत फ्लफी रहता है, इनको कंघी की बहुत ज़रूरत रहती है, डेली ग्रूमिंग करनी चाहिए, इनको ब्रशिंग करनी चाहिए, हेल्दी डाइट देनी चाहिए, डॉग फूड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी कंपनी का डॉग फूड हमें लेना चाहिए, बॉयल्ड एग्स इनकी डाइट में ज़रूर ऐड करने चाहिए बिकॉज कैल्शियम भी मिलता है बॉयल्ड एग से। एक बॉयल्ड एग वाइट में जितना कैल्शियम है उतना जो कैल्शियम है वो एक लीटर दूध में होता है, और अगर हम एक लीटर दूध के कंपैरेटिवली करें तो एग सिर्फ इतना सा रहता है। ये जो सेंट बर्नार्ड है जो मेरे पास में गब्बर है, आई यूज़ टू फीड हिम अप टू 15 एग्स अ डे। मैं उसको 15 अंडे पर डे दे देता हूँ अगर वो मूड हो उसका, डिपेंड करता है, लाइक डिवाइड करके 6-7 अंडे सुबह दे दिए, 7-8 अंडे रात को दे दिए, उसके अलावा डॉग फूड दे दिया, केजी कर्ड दे दिया, 1 केजी कर्ड दे दिया। हैवी डाइट लेते हैं सेंट बर्नार्ड्स, नो डाउट अबाउट इट, और इनको अच्छे से मेंटेन कीजिए। हैवी ब्रीड है, सुनो वहाँ देखो बेटा, ये हैवी ब्रीड है, बहुत लॉयल रहते हैं अपने मालिक के साथ में। अगर आपको ये ब्रीड पसंद आ रही हो, आप इसके बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं बड़े डॉग का भी वीडियो डालूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो दैट मैं और बेहतर और कुछ नया बनाऊँ, कुछ नई ब्रीड को इंट्रोड्यूस करूँ आपके साथ में, मीन्स जो मैंने अभी तक नहीं किया होगा। जैसे ये सेंट बर्नार्ड है, डेफिनेटली सेंट बर्नार्ड के बारे में, बेबी के बारे में मैंने पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो ही इज़ ब्यूटिफुल डॉग एंड प्लीज़ आई रिकमेंड इट। ये मेरा पर्सनल मेरा फेवरेट डॉग है, और मैं पिछले 15 साल से सेंट बर्नार्ड्स ब्रीड कर रहा हूँ, जब से मैं प्रोफेशनली एग्जैक्टली ब्रीड कर रहा हूँ, ऑसम क्वालिटी। आई एम हैविंग क्लाइंट्स थ्रू आउट इंडिया, और ये जो बेबी है ये हैदराबाद जा रहा है, और ऑफकोर्स जो जिन्होंने ये परचेज़ किया है देवर हैविंग थोड़ा सा उनके क्वेश्चन थे कि क्या ये वहाँ मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, क्या इसे हमेशा एसी रखना चाहिए, एसी में रखना चाहिए या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको अच्छे से मेंटेन कीजिए, ब्रशिंग डेली कीजिए इसको, जब ज़्यादा गर्मी हो तो ऑफकोर्स एटलीस्ट अ कूलर विल डू। अगर आप एसी में रखना चाहते हो आप एसी में भी रख सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। अगर आपको लगता है गर्मियों में इसके जो बाल हैं वो उसे तंग करेंगे, ऑफकोर्स ये भी थोड़े अपने बाल शेड करते हैं, लेकिन आप इसका हेयर कट करवा सकते हैं, इसके बाल थोड़े छोटे करवा सकते हैं, इजीली मैनेज हो जाएगा। हेल्दी डाइट दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। आप अगर इसे 100 मान लीजिए डिग्री में 100 ग्राम हम इसे प्यार दे रहे हैं, ये आपको 1000 टाइम उसके कंपैटिबली प्यार देगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये सेंट बर्नार्ड ब्रीड जो है, सेंट बर्नार्ड ब्रीड जो है इनको डाइट की भी बहुत ज़रूरत होती है बिकॉज दे आर वेरी जायंट, वेरी मैसिव। ये बहुत ही शांत और वेल बिहेव डॉग होते हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये जैसे आप देख रहे हैं बहुत देर से मेरे पास में है, मेरे साथ में वीडियो बनवा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे तंग नहीं कर रहा है। ही इज़ वेरी कूल, ही इज़ बिहेविंग वेरी नाइसली। अगर मैं इसकी डाइट की बात करूँ तो इनकी डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इनको कैल्शियम चाहिए, इनको मल्टीविटामिन चाहिए, इनको ओमेगा 3 ओमेगा 6 कॉम्बिनेशन, और उसके अलावा ग्लूकोजामाइन भी चाहिए बिकॉज ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। अगर हम इन्हें ये सब चीज़ें नहीं देंगे, इनकी फीड में ऐड नहीं करेंगे, तो फिर बोन्स जो है वो अंदर से हॉलो रह जाएंगी, वो पूरा साइज़ नहीं बन पाएगा, जॉइंट्स वीक रह जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वेट गेन करने वाले हैं तो जॉइंट्स पे प्रेशर आएगा, तो बोन्स जो है वो टेढ़ी होने का चांस रहेगा। लेकिन वो तभी है अगर हम इनकी केयर नहीं करते। आप इनकी डाइट अच्छी करते हैं, डाइट देते हैं, बढ़िया केयर करते हैं, तो दे विल ग्रो मैजेस्टिकली। अगर आई हैव सीन एग्जाम्पल, मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, उन्होंने मुझे कहा था कि जी मेरे पास में एक ऑडी है, 85 लाख रुपए का मॉडल है, तो मुझे डॉग चाहिए जो उस कार के साथ में जचे। तो मैंने उन्हें बोला था कि आई विल गिव यू अ सेंट बर्नार्ड डॉग, और वो ऐसा दूंगा कि अगर आपने डॉग रखा, एक तरफ डॉग खड़ा कर दीजिए, एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आपकी गाड़ी को कोई नहीं देखेगा, 85 लाख रुपये वाली गाड़ी को कोई नहीं देखेगा, आपके डॉग को ही सभी देखेंगे। तो डियर, वो वैसी ही बात हुई, उन मेरे क्लाइंट्स ने मुझे आके वही बात बोली कि डॉक्टर
यू वर राइट बादल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला था। और मेरा जो डॉग है वो इतना बड़ा ग्रो कर गया है, इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है कि उसके सामने पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं लगती। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पैसे देके ऐसी चीज़ खरीदी जा सकती है। वो बहुत लविंग है, बहुत प्यार करते हैं सेंट बर्नार्ड्स जो हैं। उठो बेटा, बहुत करो, गुड बॉय। इनको ब्रशिंग डेली कीजिए, मॉर्निंग इवनिंग दो टाइम ब्रशिंग कीजिए। इनको हेल्दी फूड दीजिए, बैलेंस फूड दीजिए, डॉग फूड आता है किसी भी अच्छे ब्रांड का, आप डॉग फूड ले लीजिए, आप वो दीजिए। छोटे बच्चे हैं घर में, विदाउट एनी हेजिटेशन गो फॉर अ सेंट बर्नार्ड। आपको अगर लगता है बड़ा डॉग लेना है, छोटा सा एक सेंट बर्नार्ड बेबी ले आइए। आपका बेटा या बेटी या जो भी बच्चा है घर में, वो उनके साथ में बहुत इंजॉय करेगा, बहुत बहुत ज़्यादा उनके साथ खेलें, मज़े करें, फ़न करें। दे आर जेन्युइनली फन लविंग और ये बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करते हैं, इनको सिखाना नहीं पड़ता। दिस ब्रीड इज़ सो स्पेशल। ये इस तरह की है कि दे आर नॉट इवन अ बिट डिस्ट्रक्टिव। जैसे बहुत सारी ब्रीड्स हैं, बीगल्स हैं, दे आर क्वाइट डिस्ट्रक्टिव। वो घर का बहुत सारा सामान तोड़ देते हैं, नुकसान कर देते हैं, कभी कुछ चीव कर दिया, कभी कुछ कर दिया। बट सेंट बर्नार्ड्स वैसे नहीं है, दे बिहेव वेरी नाइसली। बहुत बढ़िया मजेस्टिक ब्रीड है। और ये जो मेरे पास में गब्बर है, ये गब्बर का सन है। जो मेरा गब्बर है, ही सन ऑफ अमेरिकन इम्पोर्ट, अमेरिकन चैम्पियन, इंडियन ग्रैंड चैम्पियन। और ये मेरा गब्बर खुद भी चैम्पियन है, ये उसी की लाइंस कैरी कर रहे हैं। और ये आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो जो मैंने बनाया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट आती रहे, नोटिफिकेशन आती रहे, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम किसी नई ब्रीड के साथ में वीडियो बनाऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ में। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।